देख रहे हैं भोकर समाचार। भोकर समाचार में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सुजाउद्दीन। हम आज हिंदुस्तान के मशहूर अखबार रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के एडिटोरियल के आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसके लिखने वाले डॉक्टर जसीम मोहम्मद, ग्रुप एडिटर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा व आलम सहारा है। 18 अगस्त 2019 के अपने एडिटोरियल में वो लिखते हैं कि पहलू खान का कातिल कौन। इस सवाल की अहमियत 1 अप्रैल 2017 को नहीं थी, जब राजस्थान के शहर अलवर में मुबैना गोरक्षकों की भीड़ ने पहलू खान को घेर कर गैर इंसानी तरीक़े से उनकी पिटाई की थी। और इस सवाल की अहमियत उस वक्त भी नहीं थी जब ज़ख्मों को बर्दाश्त ना करते हुए 2 दिन बाद पहलू खान का इंतकाल हो गया था, क्योंकि इस मामले का वीडियो मौजूद था। आम ख्याल बस यही था कि अदालत को महज फैसला सुनाना है। 2 बरस बाद 14 अगस्त 2019 को अलवर की ज़िला अदालत ने फैसला सुना दिया। उसने सभी 6 मुलजिमीन को बरी कर दिया। अदालत ने मौके वारदात के वीडियो को सबूत नहीं माना। ऐसी सूरत में पहलू खान के बेटे इरशाद के सवाल की अहमियत बढ़ जाती है कि उसके वालिद को किसने मारा। इस सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी अलवर पुलिस पर है, लेकिन राजस्थान हुकूमत को भी ये जिम्मेदारी कबूल करनी होगी कि पुलिस को उसके फ़र्ज का एहसास दिलाया जाए। आगे अपने एडिटोरियल में डॉक्टर जसीम मोहम्मद लिखते हैं कि क्योंकि इंसाफ मांगा जाए और इंसाफ ना मिले तो ये निज़ाम अदल पर, इंसाफ के सिस्टम पर सवालिया निशान लगा देता है। मॉब लिंचिंग की वजह से एक आदमी का कत्ल हुआ और इस कत्ल की वजह से निज़ाम अदल पर सवाल निशान लग जाए, इंसाफ पर यकीन रखने वालों को मायूस होना पड़े, ये ठीक नहीं। सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाली कांग्रेस अब ये नहीं कह सकती कि राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत है, इसलिए पुलिस सबूत यकजा नहीं कर सकी। अगर अदालत लोकल थाने से यही सवाल कर लेती कि पहलू खान को मारा किसने, तो पुलिस को जिम्मेदारी महसूस करने पर मजबूर होना पड़ता। लेकिन अदालत खुद ज़िम्मेदार है, इस ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना मुनासिब नहीं। अदालत जानती है कि क्या कहना और क्या नहीं, क्या पूछना और क्या पूछना नहीं। उम्मीद रखनी चाहिए कि हाई कोर्ट में जाने के बाद पहलू खान के बेटे इरशाद को उसके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और इसकी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। पहलू खान के लिए इंसाफ चाहने वालों को भी मायूसी नहीं होगी। डॉक्टर जसीम मोहम्मद, ग्रुप एडिटर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा व आलम सहारा का ये एडिटोरियल हमें हकीकत से रोशनास कराता है, तो दूसरी जानिब ये चीख चीख कर अपनी सयाही को उजागर करते हुए हिंदुस्तानी अदलिया से ये दरख्वास्त करता है कि पहलू खान के साथ और उसके अहल खाना के साथ इंसाफ किया जाए।